वो कहते हैं ना कि यात्रा का मजा लेना हो तो साथ में शमान कमर रखिए, और जिंदगी का मजा लेना हो तो दिल में अरमान कमर रखिए। गाइस वेलकम बैक, आई एम संजीत सालवीन, योर फ्रेंड एंड मोटिवेटर। आज लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंडियन टू ट्रेवलर साइट, जो लिखा गया है बहुत ही प्रसिद्ध राइटर पीरल एस बक के द्वारा, जिसकी जीवन यात्रा 1892 में शुरू हुई थी और 1973 में ख़त्म हो गई। गाइस इस चैप्टर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में कवर किया है। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। इंडिया टू ट्रेवलर्स आइज हैज बीन रिटन बाय, ये जो चैप्टर है इंडियन टू ट्रेवलर्स आइज, ये किसके द्वारा लिखा गया है? गाइस बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जैसे कि आप सब जानते हैं चैप्टर्स का राइटर्स का नेम जो हम आपको फर्स्ट डे क्लास में ही बताते हैं, तो गाइस ये जो चैप्टर है ये किसके द्वारा लिखा गया है? पीरल एस बक। इसी को हम शॉर्टकट में पी एस बक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पी एस बक। याद रखेंगे एग्जाम में यदि पी एस बक मिले तो उसको छोड़ना नहीं है। पी एस बक मीन्स पीरल एस बक। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, पीरल एस बक वाज बोर्न इन, पीरल एस बक का जो जन्म है वो कब हुआ था? तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि इनका जन्म जो है वो कब हुआ है, 1892 में, जो कि हमारे ऑप्शन ए में ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, पीरल एस बक वाज एन डैश राइटर, पीरल एस बक जो है वो किस प्रकार के राइटर थे? गाइस जैसा कि ऐसे में मेंशन किया गया है कि इसके फादर जो थे वो अमेरिका से बिलोंग करते थे और इसकी माँ जो है ऑस्ट्रेलियन थी। तो गाइस यहाँ पितृ प्रधान में क्या होता है कि जहाँ से पिताजी होते हैं वो माना जाता है। जैसे मैं इंडिया से हूँ, मैं जाके पाकिस्तान में शादी कर लूँ तो मेरे जो बच्चे होंगे वो कहाँ के कहलाएंगे? वो इंडिया के कहलाएंगे या पाकिस्तान के? ऑब्वियसली इंडियन कहलाएंगे। तो गाइज उसी प्रकार से यहाँ जो पीरल एस बक्स है, इसके फादर चूंकि अमेरिका के थे इसलिए ये कौन राइटर कहलाएंगे गाइज? अमेरिकन राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, पीरल एस बक वोन द नोबेल प्राइज फॉर, पीरल एस बक को नोबेल पुरस्कार मिला था वो किस लिए मिला था, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो जानते ही हैं पीरल एस बक लिटरेचर से जुड़े हुए जुड़ी हुई थी, और इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला वो किस क्षेत्र में मिला? तो वो मिला लिटरेचर के ही क्षेत्र में, जो कि आपके ऑप्शन ए में ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, द फैमिली डॉक्टर ऑफ पीरल एस बक बिलोंग्स टू, जो पारिवारिक डॉक्टर थे पीरल एस बक का वो कहाँ से बिलोंग करता है? बहुत इंटरेस्टिंग बात है गाइस, इंडियन जो लोग होते हैं ना वो बड़ा ही कूल होते हैं, और खासकर डॉक्टर लोग देखेंगे एकदम बहुत ही, मतलब बहुत ही आपके कॉपरेटिव होंगे। तो गाइस जो इनके जो फैमिली डॉक्टर थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे? वो इंडिया से बिलोंग करते थे। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द इंडिया ट्रू ट्रेवलर्स आइज इज एन, ये जो है इंडिया ट्रू ट्रेवलर्स आइज ये क्या है? गाइज ये चैप्टर के बारे में पूछ रहा है कि चैप्टर के किस प्रकार की नीचोस है। तो गाइज मूल रूप से यह क्या है, एक एसे है जिसको लिखा गया पीरल एस बक ने। तो गाइज याद रखेंगे इंडियन टू ट्रेवलर्स आइज क्या है, ये एक एसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, व्हाई डिड पीरल एस बक विजिटेड इंडिया, पीरल एस बक जो है इंडिया क्यों आई थी? टू सी द रियर, रियर को देखने के लिए आई थी, टू सी द योंग, योंग को देखने के लिए आई थी, या फिर टू सी द रेड फोर्ट, या वो रेड फोर्ट के देखने के लिए आई थी? तो गाइज ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया गया है इस ऐसे में, वो जो है ना भारतीय गांव के नॉर्मल जीवन को देखने के लिए आया था। तो गाइज यहाँ पे सही जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? नन होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीरल एस बक वाज सर्व फूड ऑन, पीरल एस बक जो है वो खाना खाई थी भारतीय गांव के अध्ययन के दौरान, तो वो किस चीज़ पे खाना खाई थी? तो वो प्लास्टिक प्लेट था? नहीं, ऐसा नहीं है, ना ही वो पेपर पे खाई थी गाइस, वो खाई थी फ्रेश बनाना लीफ। वो क्या है ना कि हमारी संस्कृति तो हमारे रग रग में घुसा हुआ है, आज मॉडर्नाइजेशन के कारण, मेटरलिज्म के कारण हम लोग नए नए तरह के प्लास्टिक पे खाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन आपको भी याद होगा कि आज से ज़्यादा नहीं 10 साल पहले जाइए तो आप देखिएगा कि गाँव में जो भी भोज वगैरह होता था तो उसमें जो है केला का पत्ता काटा जाता था और केला के पत्ता पर ही भोज को परसा जाता था, है ना गाइस? तो याद रखेंगे कि पीरल एस बक को भी किस लीफ पे खिलाया गया था? बनाना लीफ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, डैश इवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ, हर भारतीय के जीवन में प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है? तो गाइस वो चीज है हमारा रिलीजन। क्या है? रिलीजन। हम लोग कुछ भी कर लें धर्म तो करेंगे ही करेंगे, परीक्षा देने जाएं तैयारी हो ना हो माता को प्रणाम जरूर करेंगे। तो गाइज याद रखेंगे कोई भी काम करने के लिए भारतीय किसका सहारा लेते हैं? धर्म के। धर्म का जरूर शुरू में हो या लास्ट में हो उससे जरूर उसको किसी न किसी तरह से कनेक्ट करते हैं। तो याद रखेंगे कि भारत के हर जीवन में क्या प्रेजेंट होता है? इंडिया रिलीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, द लाइफ स्पेन इन इंडिया
was only dash year. पीरलेस बक कहती है कि भारत में जो है ना जीवन जीने के लिए केवल 27 साल है, कितना 27 ईयर, जो कि चाइनीज़ के तुलना में या अदर कंट्रीज़ के तुलना में बहुत ही कम है। गाइस 27 साल ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या मानेंगे, ऑप्शन डी जो कि नन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हु हैज प्राइज्ड इंडियन पीपल एंड देयर लाइफ, कौन जो है भारत के लोग और उसकी जीवन की प्रशंसा किया है। तो गाइस वो थे पीरल एसवक, जब वो भारत के गांव का अध्ययन कर रही थी तो इनके मेहनत को, इनके बातों को, इनके सिविलाइजेशन सभ्यता को देख के वो बहुत प्रभावित हुई, जिसके कारण वो भारत के लोग और उसके जीवन को बहुत ही मतलब अप्रिसिएट किया है। कौन वो कौन थी, तो वो थी पीरल एसवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, पीरल एसबक ब्लेम डैश फॉर ऑल इल्स इन इंडिया, भारत में जो भी बुराइयां हैं उसके लिए पीरल एसबक ने किसको ब्लेम किया है, किसको दोषी माना है। तो जैसा कि इससे में मेंशन किया गया है, आप डिटेल में पढ़ते हैं क्लास में, मैं पढ़ाता हूँ, आइए ना मेरे बैच में, आपको पूरी डिटेल लाइन टू लाइन एक एक लाइन एक्सप्लेन करके बताया जाता है वहाँ पे। तो गाइज वो जो है पूरे जो भारत में जो भी इल्स है, जो भी कमियां हैं, जो भी बुराइयां हैं, उस सब के लिए किसको ब्लेम किया है, तो ब्लेम किया इंग्लिश को, इंग्लिश मैन, इंग्लिश मतलब इंग्लिश मैन जो ब्रिटिश थे, हमारे देश पे शासन कर रहे थे, उसी का नकाम था कि हमें हिंदू मुस्लिम में लड़ाना, जात के नाम पे लड़ाना और उसके ऊपर शासन करना, जिसके कारण हमारा देश अभी तक टूटा हुआ है। तो गाइज वो कौन थे, इंग्लिश थे, जिसको हर कमी के लिए दोषी माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, कह रहा है द बुक कम माई बिलव्ड हैज डैश बैकग्राउंड, कहते हैं कि कम माई बिलव्ड जो कि उनकी बहुत ही गजब की बुक है, उस बुक का जो बैकग्राउंड है वो कहाँ से लिया गया है। तो गाइज उसका जो बैकग्राउंड लिया गया है वो लिया गया है इंडियन से, क्योंकि उन्हें एक कश्मीरी लड़का से प्रेम हो गया था। आप ही सोचिए ना, आप यदि अपने प्रेमिका के बारे में लिखेंगे कभी, तो लिखेंगे तो क्या उससे जुड़ी हुई बातों को लिखेंगे, जो बात उससे जुड़ी हुई है, उसे कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, मतलब किस तरह से बिहेव करते हैं, कहाँ घूमने जाते हैं, उस जगह की बात करेंगे जहाँ की वो होगी। तो उसी प्रकार से जब पीरियल वक्त इंडिया आई थी तो उसको एक कश्मीरी यंग मैन से लव हो गया था, जिसे बाद में वो शादी भी कर लेती है, तो उसके बारे में जो लिखेगी तो कश्मीर के ही बारे में लिखेंगी, और कश्मीर किसका भाग है, इंडिया का भाग है। तो इसकी जो बैकग्राउंड हुई वो कैसा, कहाँ का हो जाएगा, वो हो जाएगा इंडिया का, जो कि हमारे ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इंडियन टूर ट्रेवलर्स आइज इन एन एक्सट्रैक्ट फॉर्म ऑफ, ये जो है किसका फॉर्म है। तो गाइज ये जो चैप्टर लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है ना, तो यह दोनों ही किताब उनका बहुत ही मस्त है, माई सेवरल वर्ड और कम माई बिलव, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा बुक है गाइज। तो ये जो चैप्टर स्पेशली लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, माई सेवरल वर्ड, जिसमें उसने अपने जीवन के पर्सनल बात को रिकॉर्ड किया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीरल एसबॉक गॉट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन, पीरल एसबॉक को नोबेल पुरस्कार मिला लिटरेचर के लिए, कब मिला। तो उसका जो क्वेश्चन है गाइस वो इसका जो आंसर होगा ये क्या होगा हमारा, 1938 ईस्वी में इसे नोबेल पुरस्कार मिला साहित्य के लिए, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इंडियन आर बाय नेचर, जो इंडियंस होते हैं वो नेचर से क्या होते हैं। थोड़ी देर पहले मैं बताया था ना कि हम कुछ भी कर लें, चांद पे भी जाने की शुरुआत करें ना, तो पहले हम विज्ञान को बाद में, पहले धर्म को पहले पूछते हैं। माय डियर मतलब क्या होता है, रिविलियस नहीं होगा, ना ही सेल्फिश होगा, ना ही कैनियन होगा, वो रिलीजियस होगा। क्या होगा, रिलीजियस, जो कि हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए हम क्या मारेंगे, ऑप्शन नन मारेंगे। क्लियर है, याद रखेंगे, इंडियन जो होते हैं नेचर से रिलीजियस होते हैं, धार्मिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, अ क्रिश्चियन मेजोरिटी बिलीव्स दैट, क्रिश्चियंस का मानना है कि होते हैं गॉड इज वन, ऑल इज वेल, या गॉड इज ग्रेट। तो गाइज जैसा कि ऐसे में मेंशन किया गया है, वो कहते हैं जो क्रिश्चियन लोग होते हैं ना, वो मानते हैं कि भगवान एक ही है, भगवान क्या है, एक ही है, तो याद रखेंगे गॉड इज वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हु हैज इन्वेंटेड कश्मीर, कश्मीर की खोज किसने किया। तो गाइज याद रखेंगे, जो कश्मीर को अमेरिका से कोई लेना देना है नहीं, अरे पाकिस्तान तो उस समय था ही नहीं, पैदा भी नहीं हुआ था, तो पाकिस्तान क्या खोज करेगा, और अंग्रेज़ को तो छोड़िए, वो तो बाद में आए हैं गाइज, वो थे हमारे यूरोपियन, कौन थे, यूरोपियन मंगोलियन लोग थे जिन्होंने कश्मीर का खोज किया था इस तरह से भारत के पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, पीरल एसबक वाज डाइड इन, पीरल एसबक की मृत्यु हो गई, पीरल एसबक की मृत्यु कब हो गई। तो गाइज वो जो है उनकी डेथ हो गई 1973 में। तो याद रखेंगे, ये था कुछ इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीरल एसबक वोन द नोबेल प्राइज फॉर,
बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखे होंगे। तो इस क्वेश्चंस का आंसर हमने इसी वीडियो में दिया है, तो आप प्लीज़ इस आंसर को कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारी ये प्रयास कैसी लग रही है वो भी कमेंट में ज़रूर करें। मेरा विश्वास रहा है शुरू से पढ़े पूरा पढ़े डीप नॉलेज के साथ। पूरी हुई इस साल की बारी, शुरू करिए अगले साल की तैयारी। अगले साल 12वीं के एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए एक बेसिक से एडवांस बैच शुरू कर रहे हैं 5 तारीख से 11 बजे और ऑनर्स के लिए 12 बजे। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त करें। कैसी लग रही हमारी ये प्रयास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छी लग रही थी इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए और हो सके तो इसे मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए।